Hi guys, my name is Chandrasekhar Varula और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और उसमें IS ऑडिट प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे और सैम्पलिंग हम पढ़ रहे थे। हमने सैम्पलिंग कंप्लीट कर लिया था और हमने जाना था कि किस तरीके से हम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे और एडिशनल प्रोसीजर्स के तरीके से नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग्स का यूज़ करेंगे। यानी कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिए, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का ही यूज़ करेंगे क्योंकि उसी को हम एक्सट्रोपोलेट कर सकते हैं पॉपुलेशन में, उसी को ये मान सकते हैं ये पॉपुलेशन की प्रतिनिधि है। जैसे डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं उनको लोगों का प्रतिनिधि माना जाता है, डिक्टेटरशिप लोगों की प्रतिनिधि नहीं मानी जाती है। उसी तरीके से स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जन प्रतिनिधि, डेमोक्रेसी चाहे कैसी भी हो, कितनी ख़राब हो, कि टूटी फूटी हो, लेकिन अगर डेमोक्रेटिकली आप इलेक्ट हो रहे हैं तो आपको जन प्रतिनिधि माना जाता है। उसी तरीके से स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के साथ है, वो पॉपुलेशन की जन प्रतिनिधि है, पॉपुलेशन की प्रतिनिधि है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। आपने स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिस्टिक मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ करके सैम्पल निकाला और सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है पॉपुलेशन का। ये माना जाता है कि पॉपुलेशन, इसके रिजल्ट्स हम पॉपुलेशन पर एक्सट्रपोलेट कर सकते हैं। कल की डेट में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फ्रॉड होता है, तो आप कह सकते हो कि मैंने एक पर्टिकुलर सैंपल निकाला था, एक परसेंटेज सैंपल निकाला। आप पर क्वेश्चन किया जाएगा कि क्यों इतना परसेंटेज लिया आपने, 10% क्यों लिया, 20% क्यों नहीं लिया, तो आप बताओगे टेस्ट कंट्रोल कंप्लायंस टेस्टिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स नज़र आए। तो बेसिकली क्या है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का एडिशनल प्रोसीजर्स के रूप में करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। स्टैटिस्टिकल को एक्सट्रपोलेट करेंगे, नॉन स्टैटिस्टिकल को एडिशनल प्रोसीजर्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा था ISA 530 ऑडिट सैम्पलिंग एंड अदर सेलेक्टिव टेस्टिंग प्रोसीजर्स के बारे में। उसमें गाइडलाइंस दी हुई थी किस तरह से हम ऑडिट सैंपल को डिज़ाइन करेंगे। तो गाइडलाइंस में क्या है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव बताया और दूसरा है डिफाइनिंग एरर्स। एरर्स को डिफाइन कर दो, क्या एरर्स हुए हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के अनुसार आप सैंपल का डिज़ाइन करेंगे। उसके अलावा हमने ये जाना था कि हम सबसे पहले, कई बार पढ़ चुके हैं, हम किसी भी कंपनी में जाएंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल सबसे पहले करेंगे, कंप्लायंस टेस्टिंग पहले करेंगे और फिर उसके बाद सब्सटेंटिव टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सब्सटेंटिव टेस्टिंग हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले कंप्लायंस टेस्टिंग करेंगे। कंप्लायंस टेस्टिंग भी बहुत, पूरे कंट्रोल्स को आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पर एट्रीब्यूट सैम्पलिंग स्टार्ट कर देंगे। वैसे कंट्रोल्स को आपको पूरी तरीके से चेक करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई जगह पर कंट्रोल्स को आप 100% चेक नहीं करते, वहाँ भी सैम्पलिंग करेंगे, वहाँ एट्रीब्यूट सैम्पलिंग करेंगे। इसीलिए एट्रीब्यूट सैम्पलिंग पर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग का मतलब सब्सटेंटिव होता है, ज़्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। वहाँ पर जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे और ट्रांजेक्शन देखेंगे, बैलेंसेज देखेंगे, तो वहाँ पर उनको, उन पर हम उन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए सैंपल निकालेंगे। यानी कि पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई करेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन करने के बाद उसमें से ऑडिट सैंपल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी है और उसके बाद सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है, सैंपल उठाना है, देखना है कितना कंट्रोल स्ट्रांग है तो सैंपल छोटा है चलेगा। लेकिन हमने ये जाना था कि कई कंपनीज होती हैं वहाँ पर ऑडिटर जाते ही सब्सटेंटिव वाउचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं वाउचर्स लेकर आओ भाई, सबसे पहले वाउचर्स हम देखेंगे, पॉलिसीज प्रोसीजर्स भी नहीं मंगाते, वाउचिंग से स्टार्ट कर देते हैं। तो या तो ऑडिटर उन कंपनीज में ऑडिटर जो है वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है, या फिर कंपनी में कंट्रोल्स उतने स्ट्रांग नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने ये बताया था कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, कई बार क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटेंट होता है वो वेस्टेड इंटरेस्ट बैठता है, वो पहले कहता है वाउचिंग करा दो। तो अगर वो वाउचिंग करा रहा है आपको, तो आप ये समझ लेना है कि इसके अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है, इसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, इसके स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल्स पर क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करोगे फिर उसके बाद। तो कहने का मतलब ये है कि आप, वो वाउचिंग देगा आपको, कहेगा वाउचिंग तो करो पूरी, पहले वाउचर्स निकालो, और वाउचर्स आपके सामने रख देगा। तो आपको कहना पड़ेगा, आपके कहना पड़ेगा वाउचिंग कर रहे हैं, सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आपके कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब अगर हम वाउचिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो हमें ऑडिट नहीं आता, या आपके कंपनी के कंट्रोल्स वीक हैं। तो पहले हम कंट्रोल्स चेक करेंगे, कंट्रोल्स अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डायरेक्टिव कंट्रोल्स देखेंगे, पॉलिसी प्रोसीजर्स को स्टडी करेंगे, और उसके बाद देखेंगे वो अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
उनकी टेस्ट चेकिंग करेंगे, उनको देखेंगे वो अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वो अप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं, और फिर उसके बाद हम छोटा सा सैंपल लेंगे, सैंपल टेस्ट करके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आप जाते हो एक्सपेक्टेड एरर्स बहुत जाते हो, वहाँ पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आप बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हो। अब हमारी स्टडी में एक चीज़ दी हुई है कि हम सैंपल रिजल्ट्स को कैसे इवेलुएट करें। हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई किया, रिजल्ट्स आ गए। अब रिजल्ट्स हमारे प्रीलिमिनरी असेसमेंट से के रेफरेंस में हम देखेंगे क्या वो प्रीलिमिनरी असेसमेंट से मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। अगर हमने कंप्लायंस टेस्टिंग की और हमने ये देखा कि एरर एट्रीब्यूट सैम्पलिंग की और देखा एरर रेट्स बहुत हाई हैं, तो इसका मतलब जो कंट्रोल रिस्क है वो ज़्यादा है। अब हम कंट्रोल रिस्क को जो एसेस किया, अब हमने जो एसेस्ड लेवल हुआ, अब एक तो हुआ प्रीलिमिनरी लेवल, एक हुआ एसेस्ड लेवल। दो टाइप के लेवल है, एक प्रीलिमिनरी लेवल, एक एसेस्ड लेवल। एसेस्ड लेवल कब होता है? जब असेसमेंट कर लेते हैं उसके बाद। तो एसेस्ड लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क ज़्यादा है। एक प्रीलिमिनरी लेवल है, एक एसेस्ड लेवल है, दो चीज़ें प्रीलिमिनरी लेवल और एसेस्ड लेवल। प्रीलिमिनरी लेवल का मतलब यह है कि शुरुआती लेवल, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, अभी आपने कंट्रोल की टेस्टिंग नहीं की है, प्रीलिमिनरी लेवल आपने देखा। अब आप सैंपल निकाल चुके हो, टेस्ट कर चुके हो, एट्रीब्यूट सैम्पलिंग कर चुके हो, अब एसेस्ड लेवल देखा आपने कंट्रोल रिस्क का। एसेस्ड लेवल अगर ज़्यादा है तो आप क्या करोगे उसको, क्योंकि ज़्यादा रिस्क है तो उस, जब भी आप कहोगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और उनसे बोलोगे कि भाई तुम्हारे वहाँ रिस्क ज़्यादा है, कम है कहोगे, कम रिस्क है कहोगे, तो वो कुछ नहीं बोलेगा। मतलब ठीक है, सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी हम टॉलरेबल एरर्स हैं उससे ज़्यादा है, तो वो फिर आपको उसका एविडेंस देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फर्दर प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। कंप्लायंस है तो कंप्लायंस प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे, सब्सटेंटिव है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यानी कि कंप्लायंस के केस में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में, अगर कंट्रोल रिस्क का एसेस्ड लेवल ज़्यादा नज़र आता है तो आप उसको सब्सटेंशिएट करोगे। मतलब शुरू में प्रीलिमिनरी असेसमेंट से ज़्यादा आता है, और अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहे हो और हायर लेवल एरर्स आ जाते हैं, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितना प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया था उससे ज़्यादा एरर्स आ गए, तो चीज़ें मटीरियली मिस्टेटेड हैं, तो आपको फर्दर उसका एविडेंस लेना होगा, एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। यानी कि अब पहले आपने सैम्पलिंग की, सैम्पल करने के बाद प्रोसीजर्स अप्लाई किए, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का यूज़ करके प्रोसीजर्स अप्लाई किए, और आपने कहा जी इसमें एरर रेट बहुत हाई है। एरर रेट बहुत हाई होने का मतलब ये है कि आपको उसको सब्सटेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों सब्सटेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है? 10 तरह के क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे। किसी पर अगर आप इल्ज़ाम लगाओगे तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, बिना एविडेंस के इल्ज़ाम लगाना इतना आसान नहीं है। सिंपल देसी भाषा में, हमारी स्टडी में अगर आप पढ़ोगे या कहीं और पर पढ़ोगे, बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब सिंपल है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज एक्सपेक्टेड प्रीलिमिनरी असेसमेंट से ज़्यादा एरर आता है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, तो आप फर्दर प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे। अब ये तो एक कंडीशन थी, एरर ज़्यादा आ गया। अब एरर टॉलरेबल एरर के बराबर आ गया। अगर मान लिया सपोज प्रोजेक्टेड एरर्स और एनोमलस एरर्स का मतलब ये होते हैं अनसर्टेन एरर्स, कुछ एरर्स होते हैं जो एक ही बार आते हैं, अचानक आते हैं। तो प्रोजेक्टेड एरर्स और एनोमलस एरर्स को अगर आपने देखा, वो टॉलरेबल एरर के बराबर हैं, टॉलरेबल एरर के बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आपने सैंपल लिया था, और चूंकि आपने सैंपल लिया था, सैंपल में सैंपलिंग रिस्क होता है, तो भी आपको एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने चाहिए। कहने का मतलब टॉलरेबल एरर से ऊपर अगर सैंपल में एरर दिखाई दे रहा है, प्रीलिमिनरी असेसमेंट जो आपने किया उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अगर उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आप एडिशनल प्रोसीजर्स लगाओगे ताकि एविडेंस कलेक्ट कर सको और दुनिया को दिखा सको कि भाई जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो।
हो सकता है आपको 100% पॉपुलेशन भी चेक करनी पड़े। और अगर मान लिया सपोज टॉलरेबल एरर के बराबर आ रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क है, हो सकता है कि पॉपुलेशन मतलब अलग अलग सैंपल्स लो लेते या 100% चेकिंग करते तो वहाँ पर उसमें एरर ज़्यादा होते, इनकरेक्ट रिजेक्शन इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस का रिस्क है, यानी इनकरेक्टली आप एक्सेप्ट कर लोगे इसका रिस्क है, टॉलरेबल एरर के बराबर हो करीब या टॉलरेबल एरर के बराबर हो या टॉलरेबल एरर से थोड़े कम हो, मतलब टॉलरेबल एरर से काफ़ी कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आपका ऑडिट रिस्क लो है, आपने एक सैंपल लिया उसमें बहुत ही कम मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक सैंपल लिया उसमें इतनी मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं कि वो टॉलरेबल एरर के बराबर आ रही हैं, टॉलरेबल एरर से ऊपर है तो फिर तो आप एडिशनल प्रोसीजर लगाओगे, टॉलरेबल एरर से पार हो गया, आपकी टॉलरेंस के लिमिट के बाहर हो गया, फिर तो एडिशनल प्रोसीजर लगाओगे, टॉलरेंस लेवल के बराबर है या उससे थोड़ा सा नीचे है, उसके कुछ थोड़ा सा नीचे है, अगर ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आप ये कहोगे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, यहाँ पर आप का ऑडिट रिस्क बढ़ सकता है, तो आपको जब उसके बाद आप क्या है कि एडवर्स ओपिनियन देनी पड़ सकती है आपको, आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देनी पड़ सकती है, और जब क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देनी है तो आपके पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो एविडेंस होने के लिए आप क्या करोगे, एडिशनल एविडेंस लेने की कोशिश करोगे, एडिशनल एविडेंस लेने के लिए क्या करोगे, एडिशनल प्रोसीजर्स आप अप्लाई करोगे, और अगर टॉलरेबल एरर से कम है कोई दिक्कत नहीं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, एग्जामिनेशन में ये चीज़ें आ सकती हैं, इनको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हमने बोला कि आप किसी भी कंपनी में जाओगे कंट्रोल्स की टेस्टिंग करोगे, कंट्रोल्स वीक हैं तो उसके बाद फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स देखोगे, कंट्रोल स्ट्रांग है या वीक है उसी के अनुसार सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डिटरमाइन करोगे, लेकिन अगर वीक कंट्रोल्स हैं तो बहुत वीक ज़्यादा वीक कंट्रोल्स हैं तो वहाँ पर कंट्रोल्स पर आप विश्वास ही नहीं कर सकते हो, तो बैलेंसेस ट्रांजेक्शन्स सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स को चेक करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप कंट्रोल्स पर डिपेंड नहीं कर सकते हो, कंट्रोल्स के में एक प्रोसेस है उसमें अच्छे कंट्रोल्स लगे तो उसमें हज़ारों ट्रांजेक्शन गुजर जाएंगे और वो ट्रांजेक्शन सही तरीके से प्रोसेस हो रहे होंगे, लेकिन प्रोसेस ही ख़राब है तो ट्रांजेक्शन्स आपको एक एक करके चेक करने पड़ेंगे, तो वहाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ज़्यादा करना पड़ेगा, और कई जगह पर तो आप कंट्रोल्स पर विश्वास ही नहीं कर सकते, वहाँ 100% सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद हमने ये बोला कि अगर मान लिया सपोज आप कहीं सैंपल ले रहे हो, आपके कंट्रोल्स एक रीजनेबल लिमिट के आपको दिखाई दे, वहाँ पर आपको 100% सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं अपनाने, वहाँ पर आप सैंपल उठा रहे हो, तो वहाँ पर सैंपल उठा रहे हो तो आपको देखना है प्रीलिमिनरी असेसमेंट्स की के बराबर के से ऊपर अगर एरर्स आ गए, काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ गए तो फिर आप एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे, क्योंकि आप एविडेंस लोगे, आप अपना संदेह पुख्ता करोगे, आप आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपको फिर एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है, और अगर टॉलरेबल एरर के बराबर है या उससे थोड़ा कम है तब भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत ओपिनियन दे रहे हो, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस हो रहा है, हमने दो चीज़ पढ़ी थी इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस इनकरेक्ट रिजेक्शन, और हमने ये जाना था इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस डेंजरस है, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस क्या आता है, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस वहाँ आता है जब जहाँ सैंपल के एरर्स और टोटल पॉपुलेशन के एरर्स मैच नहीं करते हैं, और जहाँ पर सैंपल में कम एरर्स होते हैं पॉपुलेशन में ज़्यादा एरर्स होते हैं तो आप कहते हो कि पॉपुलेशन में एरर्स नहीं है और आप उसके बाद सेटिस्फाइड हो जाते हो, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस हो जाती है, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस का मतलब आप बेवकूफ़ बन जाते हो और वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, नीचे एरर्स हैं आपको पता ही नहीं, इनकरेक्टली आप एक्सेप्ट कर रहे हो, इनकरेक्ट रिजेक्शन में चांसेस कम है क्योंकि इनकरेक्ट रिजेक्शन में आपको सैंपल मिला उसमें वही सैंपल उठा दिया जिसमें सारे एरर्स हैं और मालूम पड़ा पॉपुलेशन में कोई खास मटीरियल एरर्स नहीं है, तो आपको पैनिक आ गया और आपने पूरे एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स अप्लाई करने लगे, 100% पॉपुलेशन को चेक किया या 70% पॉपुलेशन अपनी एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ा दी और देखा इसमें तो एरर्स ही नहीं है, ये तो सैंपल हमने ऐसा उठा लिया था, तो इनकरेक्ट रिजेक्शन में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम है,
इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस आपकी ऑडिट ओपिनियन को गलत बना देगा। फाइनली अगर मान लिया सपोज आपको प्रीलिमिनरी असेसमेंट रिवाइज करना पड़ा, पहले आपने एक असेसमेंट किया था, अब आपको रिवाइज करना पड़ा, करेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज करना पड़ा एरर रेट्स ज़्यादा हुए, तो आप मैनेजमेंट के पास जाओगे और कहोगे मैनेजमेंट को कहोगे कि ये एरर्स हो रहे हैं तो आप एडजस्टमेंट करो, या फिर आप क्या है ऑडिट प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करोगे, जो पहले प्लान किए हैं आपने ऑडिट प्रोसीजर्स उनको मॉडिफाई कर दोगे और एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे, सैम्पल साइज बढ़ा सकते हो, और नहीं तो आप देखोगे कि आपकी ऑडिट ओपिनियन चेंज हो जाएगी, क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन हो सकती, एडवर्स ऑडिट ओपिनियन हो सकती। तो बेसिकली ये ऑडिट सैम्पलिंग था। ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन सेंस से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार आपको उसके पीछे के अर्थ समझ में आ गया तो फिर पूरा ये चैप्टर बहुत इजी है, ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा।